वेलकम टू माई चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर आई हूँ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ कोलकाता। सबसे स्पेशल बात जो यहाँ की है वो ये है कि जो यहाँ की काली की प्रतिमा है, मैं माँ काली की बात कर रही हूँ, वो दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ, इसीलिए इसका नाम दक्षिणेश्वर है। रानी राशमनी ने इसे बनवाया था और जिस टेम्पल को देख करके उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी, जिसका आप उसे मैप बोल सकते हो, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बोल सकते हो, जिससे इंस्पायर हो के उन्होंने दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बनाया, मैं वहाँ भी गई थी, उसका व्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मेरे साथ आज देखिए दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। काफ़ी बड़े एरिया में बना है ये, प्रसाद के लिए अलग जगह है, कुछ जो आइटम्स होते हैं वो बच्चों के खिलौने हो या फिर कोलकाता का स्पेशल सूप यानी कूलों वाला मूर्ति प्रतिमा जिसमें काली, दुर्गा या गणेश लगे होते हैं, शीशे में धान के दानों से बना प्रतिमा, सब कुछ एक अलग मार्केट में मिलता है। एक प्रसाद का मार्केट है और आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है गाइस, इवन पार्किंग स्पेस है और बैठने के लिए भी अगर आप पेड़ की छांव में बैठना चाहें तो जगह है। यहाँ पर आप अपना अच्छा समय बिता सकते हैं, वो हुगली नदी, यहाँ के गंगा के किनारे घाट को देखते हुए हो, डुबकी भी मार सकते हैं आप। यहाँ लाइब्रेरी भी है जिसमें बैठकर आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ आप उस जगह को भी देख सकते हो जहाँ रामकृष्ण और माँ शारदा ने अपने जीवन का काफ़ी सारा वक्त बिताया। काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप यहाँ आते हो और अपना दिन बिताते हो, काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए, पर टाइम देख कर आना गाइस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स यहाँ के हैं जो कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक है और शाम के 3 बजे से रात की 8:30 बजे तक है, और ये टाइम मौसम और सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं।
रानी राशमणि ने सपना देखा था काली मंदिर बनाने का। जी हाँ, उनके सपने में आया था ऐसा, और अपने पति के देहांत के बाद उन्होंने इस सपने को पूरा किया। उनके पति का भी सपना था कि वो एक काली मंदिर बनाए, और हमें परिणाम स्वरूप मिला ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि 20 एकड़ में बना हुआ है। इसी की कुछ ज़मीन लेकर के सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो, विवेकानंद सेतु, उसे बनाया गया, और रेलवे ब्रिज भी इसी की ज़मीन को लेकर के बना। मंदिर के काफ़ी सारे एरियाज को तो मैं आपको दिखाऊंगी। कई सारे छोटे छोटे अलग अलग भगवान के भी मंदिर हैं यहाँ, सिर्फ काली माँ का नहीं है। बट मैं मेन काली मंदिर आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेन मंदिर कैंपस के अंदर मोबाइल्स नहीं अलाउड हैं। आपको अपने मोबाइल को जमा कर देना होता है, अपने बैग को जमा कर देना होता है, देन ही आप उस कैंपस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है।
दक्षिणेश्वर का सफर समाप्त नहीं होता अगर हम यहाँ से फेरी लेकर के बेलूर मठ न जाएं। बेलूर मठ की भी टाइमिंग इसी के जैसी है गाइस, जिस समय ये मंदिर बंद रहता है उस समय बेलूर मठ भी बंद रहता है, और जिस समय ये खुलता है जैसे 3 बजे बेलूर मठ भी खुल जाता है। एंड ये दोनों की टाइमिंग सिचुएशंस एंड गर्मी सर्दी के हिसाब से बदलती रहती हैं। आप हमेशा अपडेटेड टाइमिंग देख करके ही वहाँ जाएं, और जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। तो अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ यहाँ की जेट्टी घाट, जो फेरी घाट है वहाँ। यहाँ से हम लोग फेरी लेकर के जाएंगे, और जाने में सिर्फ 11 रुपये लगने वाला है। हम लोग जाएंगे बेलूर मठ, और मैं पूरी फेरी राइड भी आपको दिखाऊंगी, साथ में बेलूर मठ भी घुमाऊंगी। वो वीडियोस पार्ट 2 और पार्ट 3 आप बोल सकते हैं आगे आएंगे।